हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अना अदर एपिसोड ऑफ हेलो गिट सीरीज़ सो टूडे वी लुक एट अ कॉन्सेप्ट ऑफ गिट इट इज़ नॉन एज अलाई सिंह तो ये कोई गिट की कमांड नहीं है ये गिट का एक फ़ीचर है जो आपकी एफिशेंसी बूस्ट करने के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए है कि मतलब आपका वर्क फ्लो बेटर हो जाए ठीक है तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है सो so, आज हम पढ़ेंगे गिट अलाइसिंग के बारे में सॉरी गिट क्या एक फीचर है ये इट इज़ नॉट अ कमांड हाँ नॉट अ कमांड तो यार ये इसको मैं कूल cool फीचर भी कहूँगा ठीक है समथिंग दैट यू कैन ब्रैग इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स ठीक है या कलीग्स क्योंकि आप इसको यूज़ करके ना अपने गिट के कमांड्स को पर्सनलाइज कर सकते हो ठीक है अब पर्सनलाइज से क्या मतलब है जैसे अगर हम लिखते हैं गिट कमिट वॉट इफ आई टोल्ड यू इंस्टेड ऑफ़ गिट कमिट आई राइट गिट सेव, आई हैव माई ओन पर्सनल सेट ऑफ कमांड्स वेन आई यूज गिट लेट मी शो यू इफ वॉट इफ आई इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग गिट एड आई गिट एड वॉट इट डज इट एड्स ऑल योर फाइज टू द स्टेजिंग एरिया तो वॉट इफ आई टेल यू आई डो नॉट यूज गिट एड आई यूज गिट स्टेज ठीक है ओके सॉरी सो वन मोर थिंग दे वॉज अ कमांड दैट वी जस्ट स्टडीड गेट रीसेट हैड वॉट इट डज ये क्या करता है कि जो भी आपने फाइल लिखी है उन्हें स्टिजिंग uh, एरिया से हटाता है और उसको मॉडिफाइड स्टेट में लेके आता है काइंड ऑफ अनस्टिच कर रहे हैं उनको वट एफ आई टोल्ड यू आई यूज गेट अनस्टेज स्टेज इंस्टेड ऑफ़ दैट ये जो तीन है ये कोई कमांड है ही नहीं गेट के अंदर बट मैं इनको जब लिखता हूँ तो काम सारा होता है जो ये सब कमांड्स का है ये सब काम सारा होता है इसका ठीक है तो इसको कहते हैं गेट अलाइसिंग का फीचर इट इज़ लाइक पर्सनलाइजिंग ऑर ओन कमांड्स फॉर योर सेफ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग योर वर्क फ्लो एंड एफिशेंसी और राइट सो देखते हैं ये कैसे काम करता है वाई और आपको वॉट uh, ये तो पता ही लग गया कि वाई डू वी यूज इट एंड वॉट इट इज ठीक है तो अब देखते हैं ये होता कैसे है ठीक है हाउ तो आपको याद होगा मैंने आपको जब गिट इंस्टॉल कराया था तब हमने कमांड पढ़ी थी गिट कॉन्फिक हाइफन एंड ग्लोबल तो ये करता क्या है जो गिट की सेटिंग्स होती है ना उसके अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए हम लिखते हैं गिट कॉन्फिक और ग्लोबल इसलिए कि ये जो हमने चेंजेस करे हैं ये हमारे सिस्टम में हर जगह रिफ्लेक्ट हो मतलब बेसिकली अगर हम गेट का कोई प्रोजेक्ट हमारे सिस्टम में कहीं भी बना रहे हैं तो वो चेंजेस सब लिए ट्रू हो यूनिवर्सल हो ये चेंजेस सब पूरे सिस्टम में ग्लोबल रहे पूरे सिस्टम में चेंजेस हो ये अगर हम चाहते हैं कि ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं ये हमारे सिस्टम में ना हो ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर उसी पर्टिकुलर फोल्डर के लिए ये चेंज हो तो हम ग्लोबल हटा देते हैं ठीक है तो इतना सा हमने इतना होता है कॉन्फ्लिक का तो अब इसको यूज़ कैसे कर करते हैं हम इसको यूज़ ऐसे करते हैं कि हम एक कमांड होता है गेट कॉन्फिक ग्लोबल के बाद हम लिखते हैं अलायस अलायस ठीक है अब अलायस का मतलब क्या है आप सब जानते हो अलायस मतलब होता है कि किसी चीज़ को दूसरे नाम से जानना ठीक है अलायस कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं अलायस का मतलब होता है किसी चीज़ का सेकेंड नेम यह होता है ना कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है सो दैट इज़ कॉल्ड अलाय ठीक है दैट इज़ कॉल्ड अलायस Uh, जैसे अगर मैं बोलूँ हाँ जैसे एक आ, कोई फ्रूट है उसका जैसे बनाना है ठीक है एंड इफ अगर मैं बोलूँ कि केला केला इज़ इन हिंदी बनाना इज इन इंग्लिश तो मैं बोलूँ बनाना इज़ अलायस ऑफ केला ठीक है मतलब इसको इस नाम से भी जाना जाता है इट इज़ सेकेंड नेम है उसका ठीक है तो अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं हम लिख लेते हैं ये कमांड रहेगी हमारी गेट कॉन्फिक ग्लोबल एव वी वॉन्ट देंजेस टू बी ग्लोबल एंड देन वी राइट अलायस डॉट इधर हमारा कस्टमाइज नेम आएगा जो हम चाहते हैं ठीक है कस्टमाइज कमांड नेम सी एम डी नेम और उसके आगे आएगा और उसके आगे क्या आएगा वो जो आप उसको जिस कमांड से रिप्लेस कर रहे हो कमांड जिससे रिप्लेस कर रहे हो वो आएगा यहाँ पर ठीक है तो ये इसका काइंड ऑफ इंडेक्स है मैं आपको आ जाओ अब हम इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं सो कैसे करेंगे ठीक है right. so और राइट सो हैव दिस डिपॉजिट आई हैव दिस टू फाइल्स ए बी सी डॉट टी एच टी और डी एफ डॉट टी एच टी हम इसका स्टेटस देख लेते हैं अभी एकदम नथिंग टू कमेट वर्किंग ट्री क्लीन है हमको चेंजेस कर देना है ओके okay. If you like this series, please comment section. Maybe in the English. Okay. So I have made some changes. So I have a new file called abc.txt that is modified now. We can check this in the git status. Alright. So now I want to add this to the staging area. सो आई वुड हैव रिटन गिट add गिट add लिखते हैं और फिर फाइल का नाम लिखते हैं लेकिन हम बोलेंगे ऐड नहीं हम इसको स्टेजिंग एरिया में डालना है हम अपने हिसाब से इसको स्टेज लिखना चाहते हैं गिट कॉन्फिक ग्लोबल लिखा मैंने और फिर अलायस कमांड जो मेरा कस्टमाइज कमांड है अलायस डॉट अब मेरा कस्टमाइज कमांड क्या है स्टेज ठीक है स्पेस किस कमांड से इसको रिप्लेस कर रहा हूँ इसको मैं कर रहा हूँ ऐड से रिप्लेस ठीक है ऑलराइट सो so, अब मैं क्या लिख सकता हूँ गिट स्टेज फाइल का नाम क्या है हमारी ए बी सी डॉट टी एक्स टी आप ये ध्यान दीजिए मैंने सिर्फ ऐड लिखा है मतलब ऐड की जगह स्टेज भी जाना जाएगा उसका नाम ठीक है तो वही सिंटेक्स सब कुछ सेम रहेगा कमांड का बस हमें जो कीवर्ड बदलने हैं वो बदल सकते हैं ठीक है थीके? तो ऐड की जगह हो गया स्टेज तो गिट स्टेज ए बी सी डॉट टी एक्स टी ठीक है नाउ आई वुड से कि ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गया है बट मुझे मत भरोसा करो मैं जैसे कहता हूँ गिट पे करते हैं तो स्टेटस देख लेते हैं इसका अब देखो स्टेटस क्या आ रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड इसका क्या मतलब है कि वो जो फाइल थी हमारी स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गई है अब इसको कमिट करना रहता है ठीक है आपके सामने किया है और राइट सो अब इसको क्या कर लेते हैं अब इसको हमें कमिट करना है तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं गिट कमिट एम और फिर अपना कमिट मैसेज और हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कूल हैं ठीक है <laughs> तो फिर git config global all right ये हमारा set था alias अब मुझे इसको save करवाना है मतलब commit है तो commit में मैं save use कर रहा हूँ करना चाह रहा हूँ word तो मैंने alias dot save मेरा personalized command और फिर मैंने लिखा जिससे मैं replace करवा रहा हूँ तो वो है enter press कर दिया यार अब मैं अपना follow कर लेता है गेट save अपना message एट डेड ए बी सी डॉट टी एक्स टी मॉडिफाइडर जो भी ठीक है अब देखो एट डेड ए बी सी डॉट टी एक्स टी आ गया वन फाइव चेंज टू इन सोश राइट सो लेटेस्ट नाउ लुक एट द स्टेटस इट वुड बी वर्किंग ट्री क्लीन ठीक है नथिंग टू कम इट वर्किंग ट्री क्लीन और राइट सो लेट लेटेस्ट मेक सम मोर चेंजेस ठीक है कुछ एक दो चीज़ें और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको वो बताया हूँ ठीक है so, सो अब मैंने इसको गिट स्टेज करवा दिया किसको को ए बी सी डॉट टी एक्स टी को देखो अभी काम कर रहा है एकदम बढ़िया से गिट स्टेटस से देख लेते हैं ठीक है अब इसको कमिट करना है अब हमने कल एक कमांड पढ़ी थी गिट रीसेट हेड नॉट कल मतलब बेसिकली लास्ट वीडियो जब भी आपने देखी हो तो गिट रीसेट हेड और हमारी फाइल का नेम इससे क्या होता है इससे जो भी फाइल मेरी स्टेजिंग एरिया में वो है वो अनस्टेज हो जाती है क्या हो जाती है अनस्टेज मतलब मॉडिफाइड स्टेट में आ जाती है ठीक है अब मैं गिट रीसेट हैड नहीं लिखना चाहता इसका मैं क्या करूँगा फिर अलायस बना लूँगा बिल्कुल सही इसका अलायंस बना लिया हमने जैसे एक मिनट गिट कॉन्फिक ग्लोबल अलायंस डॉट अनस्टेज अनस्टेज चाहता हूँ किसको किससे रिप्लेस कर रहा हूँ अनस्टेज को रीसेट हैड को ठीक है अब मैं बस इतना लिखूँगा गिट unstaged स्टेज ए बी सी डॉट टी एक्स टी आप ये देखिए इसका जो भी स्टेटस था ये था चेंजेस टू be committed होता स्टेजिंग एरिया में एड था इसको बस कमिट करना था अब जैसे ही मैंने ये किया क्या गया अनस्टेज चेंजेस आफ्टर रीसेट ए बी सी डॉट टी एक्स टी एम मतलब ये मॉडिफाइड स्टेट में आ चुका है एक बार गिट स्टेटस पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं बिल्कुल ठीक है क्या आया changes नॉट स्टेज फॉर commit अभी इसको स्टेजिंग एरिया से हट गया है ठीक है रेड मतलब वही आपको अब तक तो मालूम हो गया होगा तो अब ये उसमें मॉडिफाइड स्टेट में आ चुका है और ये स्टेजिंग एरिया में नहीं रहा तो हमने गेट अनस्टेज भी कर लिया ठीक है अब यार एक और चीज़ एक और चीज़ जैसे गिट लॉग आप लोगों को याद होगा गिट लॉग क्या करता था सारे जितने भी हमारी कमेंट हिस्ट्री है लेके आता था ठीक है सो आई हैव गॉट दिस फर्स्ट थ्री कमेंट्स इसको एंटर एंटर प्रेस करते रहेंगे आते रहेंगे एंड वी यूज क्यू टू एग्जिट ठीक है अब मैं चाहता हूँ यार जब भी मैं गिट लॉग लिखूँ लेकिन मुझे फर्स्ट टू ही लॉग्स अपनी फ़र्स्ट टू कमिट ही देखना है अपने अपने हिसाब से जिसको जैसे भी करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको भी सेट कर सकता हूँ अगर मुझे गिट लॉग देखना था ना कि मुझे फर्स्ट टू कमेंट्स देखना है तो मैं ऐसे लिखता था ये कमेंट ना बताया मैंने गिट लॉग हाई फंड टू इससे क्या होगा कि फ़र्स्ट टू कम्स ही दिखेंगे एंटर प्रेस करते हैं तो देखो आपके सामने ही क्या दिखा फर्स्ट टू कम्स दिखें अब आपको ये जो कमांड uh, है ना मतलब तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है तो भाई आप इसके अलाइसेंस सेट कर लोगे और अपना से पर्सनलाइज़ कर लोगे तो आपने लिख दिया गिट कॉनफिक ग्लोबल अलायस डॉट मैं देखना चाहता हूँ लास्ट टू तो मैंने लास्ट टू के नाम से इसका बना लिया और इसको रिप्लेस किससे करना है लॉग स्पेस हाइफन टू से ठीक है अब मैं क्या लिखूँगा गिट लास्ट टू और देखो मेरे पास क्या आ गया यार ये लास्ट टू तो मेरी कमिट्स आ गई ऑलराइट राइट तो ये होता है हमारा गिट लॉक का देख लिया आपने तो यार वही है ऐसा आप अपनी अलाइसिंग सेट कर सकते हो थोड़ा ये कूल फीचर लगता है मुझे और थोड़ा प्रोडक्टिव भी होता है मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और हम अब नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस सो आज की वीडियो में यार इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय